सो गाइस तो जाल जा रहा है अपना, अबे उसको नीचे ही रख लेता है यहाँ, डालेगा ना भाई अपना जाल फेंक दिया। सो हेलो गाइस, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट पेन टिप्स। सो गाइस अभी ना मैं गिरने से बच गया बिकॉज अपना जो लॉफ्ट है ना वो टूट चुका है, कल जो है पूरा टूट गया। अपने रंजन भाई की वीडियो देखी होगी, सोचा तो मैंने था कि मैं वीडियोस बनाऊंगा इसकी, बट बना ही नहीं पाया। रंजन भाई ने कहा कि मैं बना लें दे, मुझे बना लें दे, कि कल रंजन भाई ने ग्रुप में वीडियो डाली थी ये जाल सेल करने की। तो भाई एक आ रहे हैं हमारे, पता नहीं कौन है, जानकार में ही हो चाहे कोई भी हो, बट जाल ना चला जाएगा, सेल हो रहा है हमारा जाल। तो ये रखा भाई जाल ऊपर, देख लो आखिरी बार ये रखा हुआ है ऊपर, तो ये ना भाई सेल होने वाला है अभी, तो इसको ना अभी हम खोल के देने वाले हैं, क्योंकि भाई ऑटो में आ रहा है। मैंने सोचा था कोई आगा ठेली वेली पे ले जाएगा, बट नहीं हो पा रहा, तो ऑटो में ले जाएंगे वो। तो इसको पूरा खोलना पड़ेगा यार, डबल डबल काम। अब देखते हैं भाई क्या दिमाग लगाना पड़ रहा है इसमें खोलने के लिए, क्योंकि इसमें से सिर्फ दो ही पल्ले निकल सकते हैं, बाकी सारे खोलना ही पड़ेगा। सो बाकी तो लॉक टूट चुका है अपना पूरा ही, जैसे कि देख सकते हो ये भी निकल चुका है, तो ये तो हमारे काम आ जाएगा। और बाकी कल देखते हैं भाई, कल शायद छत बनेगी, तो कल जीना वीना बन गया, सारा सामान रेडी है। और कबूतर को भी हमने सारा इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है, कावली कबूतर जितने भी थे। तो देख सकते हैं एक पाइप लगा रखा है जिस पर कबूतर बैठे हुए हैं, जिससे कबूतर को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, कबूतर को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस यार, और कुछ नहीं चाहिए हमें। चलते हैं ऊपर एक बार। तो ये रहा हमारे पीछे भाई हमारा जाल, तो इसके ऊपर ना मैंने कल ईंट रख दिए थे गलती से यार, डर रहता है ना कहीं उड़ ना जाए, तो अपनी सिक्योरिटी अपने पास है, तो इसलिए भाई इसको पूरा हमने पैक कर दिया था, ढक दिया था, मतलब हर तरफ से ईंटें देखो अंदर भी बिछा रखी है, दबा रखा है, मतलब चारों कोने से हिल नहीं रहा जाल, तो हवा से तो नहीं उड़ता, इतना भरोसा था। बाकी बुलाते हैं रंजन भाई को, मैं सोच रहा हूँ पता कौन कौन सा पल्ला खोल दूँ, एक सामने वाला और एक ये वाला, क्योंकि ये वाला ज़्यादा मुश्किल है कस ना, तो ये दो खुल जाएंगे तो उन भाई को भी थोड़ा ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो दिमाग लगाता हूँ क्या खोलना पड़ेगा, बाकी जब भाई लेने आएंगे ना तो आपको दिखाते हैं। तो गाइस तो जाल जा रहा है अपना, अबे उसको नीचे ही रख लेता है यहाँ, कोई बात नहीं, छोटे वाले को समझा दिया भाई को तूने, उसमें दो एंगल होंगे, उसे नीचे रख लेंगे बोल दे। जब बड़ा वाला तो उठा ला है, अब उससे अकेले थोड़ा आएगा, आ रहा है जभी तो मेहनत है। गेट कहाँ है सामने का, सही है भाई, रिक्शे पे जाता नहीं है तो ऑटो पे। अरे भाई बांध देंगे रिक्शे वाला, नहीं है बांध देंगे ये, हमें नहीं आती बांध, ये क्या बात कर रहा है भाई, ये बनवा देंगे देर साथ भाई, ये मॉडल होता है ये, आगे का भाई देखो फ्रंट हमारे बड़े भाई, गेट है ये, बाकी भाई लोड हो रहा है, हैंड ब्रेक लगा लो भाई, वो दे दिया ना, हालत खराब हो गई भाई साहब, देख रहा है, लो भाई नट ले लो, अरे तो मेरे को तो सही बचा के आलू खाए, लो भाई नट ले लो, नट नट है ये पूरे भाई, देखना आ जाएगी एक भाई सब खा लो, देखना पल्ली तरफ आ जाएगी भाई, हां पल्ली तरफ वो यूट्यूब पर डालेगा ना भाई अपना जाल फेंक दिया। ओके ओके सर, अरे हमें तो दे दो कितने, तो लाओ क्या लाओ हाथ में मेरे, तू जा भी, अबे मेरे दे जाल खोलने के पैसे, तुझे भी चाहिए आदित्य। सो फाइनली गाइस जाल जो अपना सेल हो चुका है, और अभी जो है गाइस शाम हो रही है, शाम के साढ़े से 6 बज रहे हैं, और देख सकते हो गाइस कबूतर को मैंने जस्ट अभी दाना दिया है, तो दाना वाना दे के तो मैं नीचे ही जा रहा था, मुझे याद आया कि मैंने तो वीडियो एंड ही नहीं करी, तो अपना जाल जो कुछ टाइम तक अभी यहाँ था, और यहाँ था भाई अपनी बहुत सारी यादें हैं अपने इस साइड से, और बहुत सारा स्ट्रगल, बहुत सारा टाइम स्पेंड भी किया है हमने इतने से ही छत पर, तो जो कि आप सब भाइयों का प्यार और सपोर्ट मिला, जिससे कि आज देखो हमारी छत भी अब आगे तक हो जाएगी, तो अभी देखो कितना ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, कितना ज़्यादा बड़ा लग रहा है, और जब छत पूरी बड़ी हो जाएगी तो कितना प्यारा लगेगा। तो बस एक उधर मुमटी रहेगी, बाकी पूरा ही खुला रहेगा, बस इससे एक बेनिफिट हो गया अपना, नीचे का भी फ़ायदा हो गया, जो कपड़े उपड़े नहीं सुखा पा रही थी मम्मी, वो भी अब ऊपर आ जाए करेंगी, और देखो कितना ज़्यादा खुला हो गया सामने से, इधर अपना पहले जाल आया रहता था, अब तो जाल चला गया बेचारा, दड़वा भी टूट गया, तो अब तो दोनों चीज़ हट गई है। तो फिलहाल ये देखो यहाँ पर अपना गेट पड़ा हुआ है पूरा, तो ये तो अपना काम आ जाएगा किसी ना किसी चीज़ में, देखते हैं भाई, मैं अभी सोच रहा हूँ चिड़िया पालने की। तो ये मत सोचना गाइस कि मैं भूल चुका हूँ ये सारी चीज़ें, बट मेरे को याद है यार अभी तक कि मैं भूला नहीं हूँ। ओके, कहीं आप सोच रहे हो कहीं मैं भूल गया हूँ, मैंने बोला था कि चिड़िया लाऊंगा, तो नहीं गाइस ऐसा नहीं है, मेरे को याद है। हम जो है कबूतरों को ही नहीं रख पा रहे, कबूतरों को इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है रहने में, तो उनको कहाँ से लाएँ, तो बट
चला गया जाल, थोड़ा स्पेस हो गया छत पर, नहीं तो भाई अपना पूरा इधर का एक पूरा कवर करके रखता था, वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले रहा था, एक ये वाला घर और एक वो जाल। नहीं तो वैसे भी भाई छत थोड़ी खुली थी, बट इसी की वजह से छत जो है पूरा ढक चुका था, क्योंकि इधर से दड़वा ऊँचा करा दिया हमने इतना, मेरे पूरे हाइट के हिसाब से भाई 5 फुट का तो सिर्फ दड़वा ही दड़वा अपना, और इधर से भाई कम से कम 8-9 फुट का तो भाई जाल और दड़वा मिला कर ही था। तो सोच सकते हो कितनी इतनी सी छत पर भाई इतना कुछ कर रखा था, बट अब छत बड़ी हो जाएगी तो अब कुछ करना नहीं है भाई, छत खुली रहेगी जिससे कि कबूतरों को अच्छा रहे और इंटरेस्टिंग वीडियो आए। तो कल छत बनेगी तो मैं सोच रहा हूँ आपको छत बनने की पूरी एक वीडियो बना के दे दूँ, कमेंट करके बताना अगर आपको वीडियो देखनी हो तो। बाकी आई होप कि गाइस वीडियो मज़ा आया होगा, वीडियो मज़ा आया हो तो लाइक करना एंड चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना। और वो भाई ना गाइस थोड़ा वीडियोज़ के लिए मना कर रहे थे कि वीडियो मत बनाओ हमारी, एक भाई मना कर रहे थे, एक भाई कह रहे थे कोई नहीं बना लो वीडियो, तो बट जितना हुआ मैंने बनाया ठीक है, तो सॉरी इसके लिए अगर कुछ छोड़ दिया हो मैंने। तो जाल तो भाई जल्दीबाजी इतनी हुई है ना, मतलब कि वो भाई आए और जल्दीबाजी में जाल खोल के दे दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में आया, एक घंटे के अंदर अंदर हमने सब कराया ठीक है। तो जाल तो अपना चला गया, और आई होप गाइस कि आपको देखने को मिले कि आप तक कभी आप जाओ उनकी छत पर या किसी की जानकारी में जो हमारी वीडियो देखते हो, और अच्छा लगता है बस ठीक है। बाकी चलो भाई ऐसे ही प्यार देते रहो, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।